नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। LJP रामविलास के कार्यालय एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बैठक को लेकर तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं। बात करेंगे LJP रामविलास के प्रवक्ता और LJP रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष से कि ये बैठक का उद्देश्य क्या है। आगामी 28 नवंबर को स्थानीय बापू सभागार जो पटना स्थित है उसमें पार्टी की स्थापना दिवस मनाई जाएगी और उसके भव्य तैयारी को लेकर, रणनीति को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजू तिवारी जी की अध्यक्षता में आज बैठक हो रही है, जिसमें पार्टी के तमाम पूर्व प्रत्याशी, जिलाध्यक्ष और तमाम वरीय पदाधिकारी पार्टी के शामिल हैं और उसको कैसे भव्य बनाया जाए, कैसे अविस्मरणीय किया जाए, कैसे बेहतर से बेहतर इंतजाम हो, उसकी रणनीति को लेकर ये बैठक है। अच्छा, मतलब पार्टी की मजबूती भी दिखाई जाएगी क्या उस दिन? निश्चित तौर पर, चूँकि हाल के दिनों में पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी को पद्म भूषण से नवाजा गया है, आपको जानकारी होगी। उस दिन हम केंद्र सरकार के प्रति आभार भी जताएंगे और भारत रत्न की मांग भी उस मंच से हम उठाएंगे कि जिन्होंने जीवन पर्यंत दलितों, शोषितों, वंचितों, गरीबों, पिछड़ों सबके हक हुकूक की आवाज उठाई है, जीवन पर्यंत संघर्षरत रहे। आपने देखा होगा कोरोना काल में जीवन के अंतिम क्षण तक वे गरीबों के भोजन सामग्री, खाद्यान्न सामग्री के लिए अपने स्वास्थ्य को दरकिनार कर कह ले तो उन्होंने प्राथमिकता गरीबों का दिया, गरीबों के खाद्य सामग्री को दिया। वैसे देश के रत्न को भारत रत्न से नवाजा जाए, ये हम एक जोरदार मांग उठाएंगे और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति आदरणीय श्री कोविंद जी, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस पर अवश्य अपेक्षित विचार करेंगे, सकारात्मक परिणाम सकारात्मक आएंगे। श्योर। 28 तारीख को एक बैठक होने वाली है, क्या मजबूती दिखाई जाएगी पार्टी? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना दिवस है उस दिन और हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी इसको बड़ा धूमधाम से मनाते थे, वही परंपरा को हम लोग कायम रखेंगे और पटना के बापू सभागार में इसका आयोजन होगा और तमाम जिले से जिलाध्यक्ष और तमाम लोक जनशक्ति पार्टी में जो आस्था रखते हैं और हमारे कार्यकर्ता हैं वह यहाँ पहुँचेंगे और उत्साह के साथ हम लोग पार्टी का स्थापना दिवस को मनाएंगे। चाचा जी आएंगे कि नहीं? अब देखिए, यह आयोजन जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी कर रहे हैं और इसमें अगर कोई आता है तो हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन अपने स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी को विचारों को फैलाने के लिए हम लोग वहाँ पर काम करेंगे। यानी कि 28 तारीख को पूरे बिहार को और बिहार सरकार को भी ये दिखाया जाएगा कि लोजपा रामविलास कितनी मजबूत है। देखिए, यह बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मजबूत हम लोग हैं और राज्य सरकार बराबर निरंतर जो साजिश करती आई है हम लोगों को कमज़ोर करने की, तोड़ने की, तो उन प्रयासों को भी कहीं ना कहीं एक धक्का लगेगा। चूँकि देखिए, हम लोग के साथ जो हमारे कार्यकर्ता हैं वह शुरू से जुड़े हुए हैं, पार्टी टूटी है, पार्ट नहीं टूटा है, तो विचारधारा जो है हमारे स्वर्गीय संस्थापक का वह हमारे एक एक कार्यकर्ता के जहन में है, उसी मंच से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो घोषणा करेंगे वह बहुत बड़ी घोषणा होगी। बैठक हो रही है, इसका लक्ष्य क्या? नहीं, लक्ष्य एक ही है कि 28 नवंबर को पार्टी का स्थापना दिवस होता था, पिछले वर्ष कोरोना काल के चलते नहीं मनाया गया और हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का स्वर्गवास हो गया, तो उसके बाद हम लोग पहला कार्यक्रम करने जा रहे हैं। पद्म भूषण उनको मिला हुआ है, इसके उपलक्ष्य में हम लोग 28 को बापू सभागार में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। अरे, हमारे नेता के चाहने वाले इतना है कि बापू सभागार की बात करते हैं, वो भीड़ बुलाने का, हमारे तो कार्यकर्ता चले आएंगे उतना। आप बैठक में देखिए, हमारे जितने प्रत्याशी, जितने जिलाध्यक्ष, जितने हमारे शीर्ष नेता बैठे हुए हैं, लोगों में अपने आप ऑटोमेटिक वैसे वैसे कितना हम लोग भर देंगे। आपकी पार्टी का एक हिस्सा पशुपति पारस के पास भी है, वो भी आएंगे? देखिए, वो आएंगे नहीं आएंगे वो जाने,
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बैनर तले चिराग पासवान जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जितने भी प्रदेश के हैं कार्यकर्ता हैं, वो लोगों को आग्रह किया गया, निमंत्रण दिया गया, वो लोग आएंगे। तो सुना आपने, प्रदेश अध्यक्ष और प्रवक्ता ने कह दिया कि 28 नवंबर को एलजेपी का स्थापना दिवस है और उस स्थापना दिवस को भव्य तरीके से मनाने के लिए ये बैठक की गई है और इस बैठक में ये रणनीति तय की जा रही है कि इस स्थापना दिवस को कितने भव्य तरीके से मनाया जाए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।